गुड मॉर्निंग क्लास, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज की क्लास है और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 वर्ण विचार। पिछली क्लासेस में हमने इस पार्ट को पढ़ा था और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। सो ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 16। यहाँ दे रखी है हमको अभ्यास का। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें हमें रिक्त स्थान भरना है। यहाँ हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से चूज़ करके हमें शब्द यहाँ भरना है और इसको रिक्त स्थानों को भरना है। नंबर एक, डैश का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वरों या व्यंजनों। किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है? स्वरों का उच्चारण, आधा सा व रा पे ओ की मात्रा स्वरों, ठीक है। नंबर टू, अखंड मूल ध्वनियाँ डैश कहलाती हैं। दो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, स्वर और वर्ण। अखंड मूल ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अखंड मूल ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं, आधा सा व र स्वर। अखंड मूल ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। नंबर थ्री, आ आ डैश से बोले जाते हैं ओष्ठ या कंठ। आ और आ किससे बोले जाते हैं? कंठ से। का अंकी बिंदी ठ कंठ, आ आ कंठ से बोले जाते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 17। नंबर फोर, वर्णों के सार्थक समूह डैश डैश का निर्माण करते हैं ध्वनि या शब्द। वर्णों के सार्थक समूह शब्द का निर्माण करते हैं। वर्णों के सार्थक समूह शब्द का निर्माण करते हैं। नंबर फाइव, वर्णों को वर्णमाला में डैश स्थान दिया जाता है कार्मिक और क्रमिक। वर्णों को वर्णमाला में क्रमिक स्थान दिया जाता है, ठीक है क्लास। ये हमारी रिक्त स्थान भरिए था। इसको फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। नंबर वन, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। नंबर टू, अखंड मूल ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। नंबर थ्री, आ आ कंठ से बोले जाते हैं। नंबर फोर, वर्णों के सार्थक समूह शब्द का निर्माण करते हैं। नंबर फाइव, वर्णों को वर्णमाला में क्रमिक स्थान दिया जाता है। कम टू एक्सरसाइज खा, सही विकल्प के सामने सही लगाइए। नंबर वन, वर्ण भाषा की डैश इकाई है आ सबसे बड़ी, ब सबसे छोटी, स विशेष। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी के आगे हम टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर टू, इनमें से कौन सा वर्ण ह्रस्व स्वर है? आ आ, ब बड़ा आ, स बड़ी ई। ह्रस्व स्वर है छोटा आ, तो इसके आगे हम टिक लगाएंगे। नंबर थ्री, इनमें से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर है? आ छोटा उ, ब ऋषि, स बड़ा ओ। इसमें से दीर्घ स्वर है बड़ा ओ, तो इसके आगे हम टिक लगा देंगे। नंबर फोर, इनमें से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है? अ प ब श स ट। इसमें से ऊष्म व्यंजन है श, तो श के आगे हम टिक लगाएंगे। नंबर फाइव, जागरण का सही वर्ण विच्छेद है। यहाँ तीन ऑप्शन दे रखे हैं, आ ब और सा। सा वाला ऑप्शन इसका सही वर्ण विच्छेद है, ठीक है क्लास। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न एक, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, आधा ध व ना पे छोटी की मात्रा नी, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रश्न दो, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के कर्मबद्ध
समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न 3, ह्रस्व और दीर्घ स्वर को स्पष्ट कीजिए। ह्रस्व और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है। तो आंसर है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है क्लास, नाउ कम टू क्वेश्चन 4, मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा क्या होती है, स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। आंसर 4 है, स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 5, अयोगवाह से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। अयोगवाह से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। अंग व अह की स्वरों व व्यंजनों से अलग ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग व अह की स्वरों व व्यंजनों से अलग ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है क्लास, आंसर 5 है ये। अब क्वेश्चन 6, संयुक्त व द्वित्व व्यंजनों से क्या अभिप्राय है सा उदाहरण स्पष्ट कीजिए। आंसर है, जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो एक से व्यंजन पास पास आते हैं तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जब दो एक से व्यंजन पास पास आते हैं तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है क्लास, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ प्रश्न उत्तर। 1, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। 2, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। 3, ह्रस्व और दीर्घ स्वर को स्पष्ट कीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। 4, मात्रा किसे कहते हैं। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। प्रश्न 5, अयोगवाह से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। अंग व अह की स्वरों व व्यंजनों से अलग ध्वनि होने के कारण इनका किसी से योग नहीं है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। प्रश्न 6, संयुक्त व द्वित्व व्यंजनों से क्या अभिप्राय है सा उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जब दो व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाता है तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब दो एक से व्यंजन पास पास आते हैं तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ओके क्लास, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। नाउ कम टू द लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज घ। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियाँ अनुस्वार हैं या अनुनासिक लिखिए। अनुस्वार कौन सी होती हैं, जिसपे अंग की बिंदी लगी होती है, और अनुनासिक कौन सी होती है, जिसपे चंद बिंदु लगी होती है। तो हमें बताना है इन शब्दों की ध्वनियाँ अनुस्वार हैं या अनुनासिक हैं। 1 इज नंदन। नंदन क्या है, अनुस्वार। नंदन में अंग की बिंदी आ रही है तो ये है अनुस्वार। 2 है खांसी। खांसी में चंद बिंदु आ रही है इसलिए ये क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक। 3 पंख। पंख में अंग की बिंदी आ रही है तो पंख है अनुस्वार। अनुस्वार। 4 दंत। दंत में फिर से अंग की बिंदी आ रही है तो इसमें कौन सी ध्वनि है, अनुस्वार। अनुस्वार।
नंबर 5 ऊँट, ऊँट में चंद्र बिंदु आ रही है तो यह है अनुनासिक, ऊँट अनुनासिक। नंबर 6 तंदूर, तंदूर में कौन सी आ रही है अंक की बिंदी तो यह है अनुस्वार, तंदूर में कौन सी ध्वनि निकल रही है अनुस्वार। नंबर 7 टांग, टांग में चंद बिंदु है तो यह है अनुनासिक, अनुनासिक। नंबर 8 शंख, शंख में फिर अंक की बिंदी आ रही है यह है अनुस्वार, शंख क्या है अनुस्वार। नंबर 9 चंदन, चंदन में भी कौन सी आ रही है अंक की बिंदी तो यह है अनुस्वार, चंदन में कौन सी ध्वनि है अनुस्वार। नंबर 10 सांप, सांप में है अनुनासिक, चंद बिंदु लगी है इसलिए यह है अनुनासिक। नेक्स्ट इज चांद, चांद में कौन सी आ रही है चंद बिंदु तो ये क्या है अनुनासिक, चांद में है अनुनासिक। फिर है नंबर 12 आखिरी संख्या, संख्या में क्या आ रही है अंक की बिंदी तो ये है अनुस्वार, संख्या में कौन सी ध्वनि हो रही है अनुस्वार। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 अनुनासिक, नंबर 3 अनुस्वार, नंबर 4 अनुस्वार, नंबर 5 अनुनासिक, नंबर 6 अनुस्वार, नंबर 7 अनुनासिक, नंबर 8 अनुस्वार, नंबर 9 अनुस्वार, नंबर 10 अनुनासिक, नंबर 11 अनुनासिक एंड नंबर 12 इज अनुस्वार। सो ये सारी एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। अभ्यास कार्य का ख ग और घ ये सब आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक के अंदर करना है। ठीक है क्लास, थैंक यू।